Hello everyone, in this video I am going to explain correlation and convolution operation of digital image processing. तो देखते हैं क्या है correlation. तो correlation जो है ये एक linear operation है. क्या है correlation और convolution? It is a process of moving a filter mask over the image. इसमें क्या होता है कि अगर ये एक इमेज है और हमारे पास एक छोटा सा एक कोई फिल्टर मास्क है तो हम लोग उसे सबसे पहले यहाँ पे ओवरले करते हैं और फिर कंप्यूट करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एट ईच लोकेशन, यानी हर एक पिक्सेल लोकेशन पे उसका प्रोडक्ट करेंगे, पिक्सेल टू पिक्सेल प्रोडक्ट करेंगे और फिर सारे पिक्सेल का एडिशन करते हैं. तो ये हमें आगे जाके डिटेल में दिखाऊंगी मैं आपको. अभी इतना ही समझ लीजिए कि कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑपरेशन. वी यूज कोरिलेशन टू चेक सिमिलैरिटी बिटवीन टू इमेजेस. किस लिए यूज होता है कोरिलेशन या कन्वोल्यूशन? तो दो इमेजेस में सिमिलैरिटी चेक करने के लिए यूज होता है. सपोज मेरे पास दो इमेजेस है, ये पर्सन ए का है और ये पर्सन बी का है, ना आई वॉन्ट टू चेक वेदर बोथ आर सेम पर्सन और नॉट. या तो फिर अगर मेरे पास एक छोटा सा एक ये एक बड़ा इमेज है और एक मेरे पास एक छोटा सा टेम्पलेट है इस इमेज का, और आई वॉन्ट टू चेक कि ये टेम्पलेट इसी इमेज का है या किसी और इमेज का है, देन ऑल्सो इट इज सेड दैट इट इज असिमिलैरिटी, चेकिंग असिमिलैरिटी बिटवीन टू. तो इसके लिए यूज होता है कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन. क्या डिफरेंस है कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में? तो कोई डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन सेम है. जैसे कोरिलेशन सम ऑफ प्रोडक्ट है उसी तरह से कन्वोल्यूशन भी हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करके ही कैलकुलेट करते हैं. डिफरेंस इतना ही है कि जो कोरिलेशन में हम लोग मास्क यूज करते हैं, कन्वोल्यूशन में सेम मास्क को 180 डिग्री से रोटेट किया जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन? द प्रोसेस इज सेम, इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट. लेकिन कन्वोल्यूशन में कोरिलेशन के लिए जो भी मास्क हम यूज करते हैं सेम मास्क को 180 डिग्री से रोटेट किया जाता है. अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जब भी हम लोग कन्वोल्यूशन या कोरिलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये इमेज है और ये 3x3 का स्मॉल टेम्पलेट है. अब अगर आप यहाँ देखते हो तो ये है इमेज का कॉलम नंबर 0 और रो नंबर 0 सेंट्रल, और अगर मास्क के इस साइड में देखोगे तो इमेज के पास कोई पिक्सेल्स ही नहीं है. तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाता है कैलकुलेशन में. तो कैलकुलेशन सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि चारों साइड से इमेज के 0 पैड कर देते हैं इस तरह से, और चारों साइड से अगर ये जो है ग्रीन कलर का ये हमारा मेन इमेज है और हमने क्या कर दिया उसको चारों साइड से 0 को पैड कर दिया, और फिर जब हम टेम्पलेट रखेंगे ये हमारा होगा फर्स्ट पोजीशन. उसी तरह से दूसरा एक मेथड है जिसको बोलते हैं रैप अराउंड प्रोसेस. रैप अराउंड में क्या करते हैं कि अगर ये हमारा इमेज है तो इसका जो बॉटम वाला रो है ये 5, 6, 7, 10, 3 ये हमने क्या कर दिया ऊपर डाल दिया, और ये जो कॉर्नर वाला पिक्सेल है 5 इसको रैप अराउंड करके यहाँ डाल दिया. सिमिलरली यहाँ जो राइट साइड वाला जो कॉलम था 10, 2, 5, 3 ये हमने लेफ्ट साइड में डाल दिया, और ये जो कॉर्नर पिक्सेल है 10 ये हमने इस साइड में डाल दिया है, रैप कर दिया. ये जो ये कॉर्नर का 3 है ये हमने इस कॉर्नर में रैप कर दिया. सिमिलरली टॉप रो को हमने बॉटम में डाला है और लेफ्ट कॉलम को हमने राइट में डाला है. तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रैप अराउंड. और अब जब हम पिक्सेल्स ओवरले करेंगे तो वो कुछ इस तरह से ओवरले होता है. अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये सपोज ये इमेज है और ये एक मास्क है तो इसका कोरिलेशन किस तरह से कैलकुलेट करना है. तो सपोज ये कोई भी हमारे पास एक रैंडम इमेज है और ये हमारा मास्क है, तो इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट. सम ऑफ प्रोडक्ट यानी क्या करेंगे कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस पिक्सेल प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस पिक्सेल प्लस दिस पिक्सेल इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस. यानी हम लोग क्या कर रहे हैं पिक्सेल टू पिक्सेल, पहले ये मास्क हमने इस पोजीशन पे ओवरले किया, पिक्सेल टू पिक्सेल उसको मल्टीप्लाई किया और फिर सबका एडिशन कर दिया. एडिशन करने के बाद हमें जो भी वैल्यू आएगा तो हम जो इमेज का सेंट्रल पिक्सेल है इसको हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे न्यू वैल्यू से. हमने क्या किया इमेज का जो सेंट्रल पिक्सेल है उसे न्यू वैल्यू जो हमने हमें मिला है सम ऑफ प्रोडक्ट करके, पहले प्रोडक्ट किया और फिर उसका सम किया और वो जो वैल्यू आया हमने सेंट्रल पिक्सेल जो है इमेज का उसे 7 से रिप्लेस किया. यही है कोरिलेशन प्रोसेस. तो आप देखिए ये एग्जांपल में कैसे होता है, ये कोई भी एक इमेज है और ये अगर मास्क है तो इस तरह से हमें हर पोजिशन में ये मास्क को शिफ्ट करना है.
और आप देख सकते हो कि जब ये इस पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे होता है, तो हमने ये वन को रिप्लेस किया फोर से. फिर ये जब सेकेंड पोजीशन, इस पोजीशन में आया, तब हमने ये जो ये वाला पिक्सल है वन, ये रिप्लेस हुआ थ्री से. जब ये थर्ड पोजीशन पे आया, तब ये पिक्सल रिप्लेस हुआ यहाँ पे फोर से, लाइक दिस एंड सो ऑन. तो इस तरह से जो सेंट्रल पिक्सल्स है वो रिप्लेस होंगे बाय सम ऑफ प्रोडक्ट. तो ये है कोरिलेशन प्रोसेस. अब ये जो एग्जांपल है, इसमें हमने ना रैप अराउंड किया है, ना ही हमने जीरो पैडिंग किया है. ये सिंपल कोरिलेशन है, लेकिन हमें एक्चुअली करना चाहिए. तो देखते हैं कि ये सेम कोरिलेशन ऑपरेशन हम लोग टेम्पलेट मैचिंग के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं. तो सपोज ये हमारा कोई भी एक इमेज है, और ये जो है ये सेम इमेज का टेम्पलेट है. आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ये एग्जैक्ट सेम है, 815713 एंड 465, ये सेम इमेज का यहाँ पे हमने टेम्पलेट लिया है. अब हमें चेक करना है कि ये जो टेम्पलेट है, अब हमें पता नहीं है क्योंकि ये इतना छोटा तो इमेज रहता नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स होती है. थाउजेंड बाय थाउजेंड का अगर है आपका इमेज साइज, या फिर 2000 बाय 2000 का है, तो यू कैन नॉट चेक इट मैन्युअली. तो हर जगह तो आप देखोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, उसका कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे. तो ये अगर टेम्पलेट हमें चेक करना है कि इस इमेज का है या नहीं है, सिमिलैरिटी अगर चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें जीरो पैडिंग किया है, चारों तरफ इमेज के जीरो हमने डाल दिया है, और फर्स्ट पोजिशन पे इसको ओवरले किया है. उसके बाद इसका प्रोडक्ट निकाला है 8 × 0, यानी ये 8 × दिस 0, देन प्लस दिस 1 × दिस 0, देन दिस 5 × दिस 0, एंड 7 × दिस 0, देन 1 × दिस 8, देन 3 × दिस 4, देन 4 × दिस 0, प्लस 6 × 6, एंड 5 × 6. ये सारा प्रोडक्ट करके हमने ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद हमें एक वैल्यू मिला है 86. और हम उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सेंट्रल पिक्सेल है, मास्क का जो सेंट्रल पिक्सेल है 8, 8 को हमें 86 से रिप्लेस करना है. उसके बाद हम मास्क को नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे, फिर से सेम कैलकुलेशंस करेंगे, और सेंट्रल पिक्सेल जो है, अब हमारा वैल्यू है 129, और जो सेंट्रल पिक्सेल है 4, उसको हम 129 से रिप्लेस करेंगे. फिर नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे, फिर सेंट्रल पिक्सेल जो है 3, उसको 34 से रिप्लेस करेंगे. फिर नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाएंगे, फिर सेंट्रल पिक्सेल 0 को हम 34 से रिप्लेस करेंगे. और फिर करते करते हम नीचे आएंगे, फिर नेक्स्ट रो में आएंगे, फिर हम शिफ्ट करेंगे, और फिर एक बार हम इस पोजीशन पे आएंगे जहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट है ये एग्जैक्टली जहाँ का पार्ट है वहीं पे ओवरले हो रहा है. यहाँ पे भी हम सेम कैलकुलेशन करेंगे. अब हमारा वैल्यू आया है 226. अब जब हमारा जो टेम्पलेट है वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे ओवरले होता है, कैलकुलेशन होता है, तब हमें कोरिलेशन का हाइएस्ट वैल्यू मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है मिलता है. भला ही आप बाहर कहीं भी कुछ भी आप ओवरले करो, आपको हाईएस्ट वैल्यू नहीं मिलेगा. फिर हम करते करते एक पोजीशन, लास्ट पोजीशन यहाँ पे आएंगे, तो हमें फिर एक वैल्यू मिलेगा 37. तो इस तरह से हमने क्या किया है कि ये मास्क को हर एक पोजीशन पे इस तरह से शिफ्ट किया है, और हर एक पोजीशन पे हमें कुछ वैल्यूज मिली है कोरिलेशन की, और उसको हमने सेंट्रल पिक्सल को रिप्लेस किया है न्यू वैल्यूज को. लेकिन ये करते टाइम हमने एक ऑब्जर्व किया है कि ये जो हमारा एग्जैक्ट जहाँ पे हमारा मास्क ओवरले होता है, वहां हमें कोरिलेशन का हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा, बाकी पोजीशन पे हमें हाईएस्ट वैल्यू कभी नहीं मिलता है. सो इस तरह से यही कॉन्सेप्ट यूज होता है फॉर टेम्पलेट मैचिंग. तो ये अगर हमारा इमेज है और ये हमारे पास मास्क है, और अगर हमें चेक करना है कि ये मास्क जो है ये इसी इमेज का पार्ट है या नहीं है, तो हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे. एंड देन यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ये जो पर्टिकुलर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है, यानी रो नंबर एंड दिस कॉलम नंबर, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, बिकॉज आप सारे पोजीशन पे कैलकुलेट करें, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका टेम्पलेट एग्जैक्टली मैच होगा, और ये मैचिंग आपको देगा कॉलम नंबर क्या है और ये रो नंबर क्या है जहाँ टेम्पलेट मैच हो रहा है. अब कन्वोल्यूशन क्या है? तो कन्वोल्यूशन और कोरिलेशन ऑपरेशन सेम है दोनों में. दोनों क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ क्या है, टेम्पलेट फ्लिप होता है, टेम्पलेट 180 डिग्री से रोटेटेड होता है. किस तरह से होता है कि अगर ये है एक कोरिलेशन का मैट्रिक्स, सपोज दिस इज अ कोरिलेशन मैट्रिक्स, तो उसका कन्वोल्यूशन मैट्रिक्स कैसे करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल रोटेशन करेंगे, यानी टॉप वाला जो रो है वो बॉटम में ले लेंगे, और बॉटम का रो क्या हो गया, टॉप में आ गया, तो रो रोटेट हो गई. उसके बाद क्या करेंगे, वर्टिकल शिफ्ट होगा. वर्टिकल रोटेशन में क्या होगा कि राइट का कॉलम लेफ्ट में आएगा, और लेफ्ट में जो कॉलम था 741 ये राइट में आ गया,
और बाकी का ऑपरेशन ये अब ये है हमारा कोरिलेशन का मैट्रिक्स और ये हो गया हमारा कन्वोल्यूशन का मैट्रिक्स। बाकी कन्वोल्यूशन इज द सेम प्रोसेस, इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह से ये अगर जीरो, ये विदाउट जीरो पैडिंग और विदाउट रैप अराउंड से दिखाया गया है, सिमिलरली आप इसी तरह से मास्क आपको घुमाना है हर एक पोजिशन पे और आपको हर एक पोजिशन पे इसी तरह से कैलकुलेट करना है और सेंट्रल पिक्सेल के वैल्यूज चेंज करने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन एग्जाम्पल एक ही साथ दिखाया गया है। एक्चुअली इमेज थोड़ा डिफरेंट है, सेम नहीं है, ये इमेज डिफरेंट है और ये इमेज डिफरेंट है और इस तरह से सेंट्रल पिक्सेल के वैल्यूज दोनों ऑपरेशन में चेंज हो रहे हैं, बोथ आर सम ऑफ प्रोडक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड कन्वोल्यूशन। बहुत सिंपल है समझने के लिए, एप्लीकेशन समझिए। इट इज यूज टू चेक द सिमिलैरिटी बिटवीन टू इमेजेस और टू चेक वेदर द टेम्पलेट बिलोंग्स टू इमेज और नॉट। इसके कई एप्लीकेशन है, फेस मैचिंग के लिए आप लोग इसे यूज कर सकते हो या थंब इम्प्रेशन मैचिंग के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।